Hello dear students and also English learners. Welcome to this class and this is Ankit from English 1 to 6 with Ankit. And today we are going to learn Unit 55 of Essential Grammar in Use. Okay, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि टू का हम यूज कहाँ पर करते हैं और कहाँ पर नहीं करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या क्या सिचुएशन होती हैं वहां पर हम टू का यूज करते हैं और कहाँ पर नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जहाँ उसमें अगर ग्रामर आती है तो ये ग्रामर हर जगह आपके काम आ सकती है, बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही बेसिक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं टू का यूज। ओके, जैसे कि देखते हैं आपका टाइटल है गो टू, गो ऑन, गो फॉर, गो प्लस ING। ओके, तो देखिए गो टू, गो टू वर्क, गो टू लंडन, गो टू ए कंसर्ट एटसेट्रा। ओके, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो टू वर्क, आप आमतौर पर किस समय काम पर जाते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू चाइना नेक्स्ट वीक, क्या यहां पे आई एम गोइंग चाइना नहीं हो सकता नेक्स्ट वीक, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमारी ये क्लास है। तो दिस इज पार्ट वन है, इसके पार्ट बी और सी भी होंगे इसी भी क्लास में। ओके, गो टू, गो टू वर्क, गो टू लंदन एंड गो टू ए कंसर्ट एक्सेट्रा। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो टू वर्क, आप आमतौर पर किस समय काम पर जाते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू चाइना नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते चाइना जा रहा हूं या चीन जा रहा हूं। सोफी डिडंट वॉन्ट टू गो टू द कंसर्ट, सोफी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द कंसर्ट, सोफी कंसर्ट में नहीं जाना चाहती थी। आई वेंट टू द डेंटिस्ट यस्टरडे, आई वेंट टू द डेंटिस्ट यस्टरडे, कल मैं डेंटिस्ट के पास गया था। गो टू स्लीप, स्टार्ट टू स्लीप, गो टू स्लीप मतलब स्टार्ट टू स्लीप, सोना स्टार्ट कर देना। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया था। एंड वेंट टू स्लीप क्विकली, मैं बहुत ज्यादा थक गया था तो जल्दी सोने चला गया। गो होम विदाउट टू, देखो अब हम अक्सर एक गलती करते हैं, आई एम गोइंग टू होम, नो आई एम गोइंग होम, यहाँ पे हम टू का यूज नहीं करते हैं। देखिए विदाउट टू, गो होम, आई एम गोइंग होम नाउ, मैं या अब मैं घर जा रहा हूँ, नॉट गोइंग टू होम, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो हम हमेशा ये गलती करते हैं कि गोइंग टू, आई एम गोइंग टू होम, नो आई एम गोइंग होम, तो सही क्या है। तो इन्हीं डाउट को क्लियर करने के लिए मैं हूं इधर। आई एम गोइंग टू होम, जैसे आई एम गोइंग होम नाउ, मैं अब घर जा रहा हूं, तो ये सेंटेंस सही है। और आई एम गोइंग टू होम अगर हम टू लगा देते हैं, सेंटेंस सही नहीं है। तो हम सही और गलत वही समझाने के लिए ये क्लास है। आई एम गोइंग होम नाउ, नॉट गोइंग टू होम। ओके, आगे चलते हैं और आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो देखते हैं आगे क्लास। चलिए देखते हैं आगे, गो ऑन एंड गो फॉर, गो ऑन एंड गो फॉर। ओके, चलिए देखते हैं, go on holiday, go on trip, go on a tour, go on a cruise, go on a strike. Okay, go on a strike. तो अब देखते हैं और शुरू करते हैं आगे। Yes, we are going on holiday next week, हम अगले हफ्ते छुट्टियों पर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्लास। गो ऑन एंड गो फॉर, सबसे पहले देखते हैं गो ऑन कहाँ कहाँ पे हम गो ऑन का यूज करते हैं। देखिए गो ऑन, गो ऑन हॉलीडे, गो ऑन ए ट्रिप, गो ऑन ए टूर, गो ऑन ए क्रूज,
ओके एंड गो ऑन अ स्ट्राइक. अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस. वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक. हम अगले हफ्ते छुट्टियों पर जा रहे हैं. तो हमने गो ऑन मतलब या गोइंग ऑन का यूज किया यहाँ पे. फिर चिल्ड्रन ऑफन गो ऑन स्कूल ट्रिप्स. बच्चे अक्सर स्कूल की ट्रिप्स पे जाते रहते हैं. ऑफन गो ऑन, तो यहाँ पर भी गो ऑन का यूज किया हमने. अब आगे देखते हैं. वर्कर्स एट द एयरपोर्ट हैव गोन ऑन स्ट्राइक. तो हैव गोन इसमें भी गोन का यूज हुआ, गो ऑन का यूज हुआ. ओके तो वर्कर्स जो हैं स्ट्राइक पे गए हैं, एयरपोर्ट पे स्ट्राइक करने के लिए गए. ओके चले. दे हैव रिफ्यूजिंग टू वर्क. वे काम करने से मना कर रहे हैं. शायद उनको सैलरी नहीं मिल रही हुई टाइम कुछ भी हो सकता है. मतलब स्ट्राइक मतलब हड़ताल पे काम करें. अब देखते हैं गो फॉर. गो फॉर का यूज हम कहां पर करते हैं. गो फॉर ए वॉक, ए रन, ए स्विम, ए ड्रिंक, ए मील. गो समवेयर, गो फॉर ए वॉक, रन, ए स्विम, ए ड्रिंक, ए मील. ओके अब देखते हैं सेंटेंस देखेंगे. वेयर इज इमा. इमा कहां है. सी हैज गोन फॉर ए वॉक. सी हैज गोन फॉर ए वॉक. वह टहलने चली गई है. इमा कहां है. ओके अगला. ए रन. डू यू गो फॉर ए रन एवरी मॉर्निंग. क्या सुबह आप दौड़ने जाते हैं. क्या आप रोज दौड़ने के लिए जाते हैं ऐसे. ओके अब देखते हैं. ए स्विम. द वाटर लुक्स नाइस. पानी अच्छा लगता है. आई एम गोइंग टू स्विम. मैं तैरने जा रहा हूं या नहाने जा रहा हूं. ओके आई मेट क्रिस इन टाउन. मैं क्रिस से टाउन में मिला. ओके सो वी वेंट फॉर ए कॉफी. तो हम कॉफी पीने के लिए गए. Shall we go out for a meal? क्या हम खाने के लिए बाहर चले. Okay. I know a good restaurant. मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है. तो हमने देखा कि go for और go on का यूज कहां करते हैं हम. चलिए देखते हैं आगे क्लास. We use go plus ing for many sports. स्विमिंग, स्काइंग एंड ऑल्सो शॉपिंग. ओके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं कि इनके साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं. किस तरीके से. आई गो शॉपिंग. मैं खरीदारी करने के लिए जाता हूँ. कह सकते हैं जा. ही इज गोइंग. आई गो स्विमिंग. मैं तैरने के लिए जाता हूँ. एंड ही इज गोइंग स्विमिंग. वी वेंट फिशिंग. They have gone shelling and she wants to go skiing and she wants to go jogging etc. तो अब देखते हैं आगे. तो इनके साथ हमने टू का यूज नहीं किया है. Are you going shopping this afternoon. क्या आप इस दोपहर shopping जा रहे हैं. It's a nice day. Let's go swimming. It's a nice day. Let's go swimming. आज का दिन अच्छा है. चलो तैरते हैं. Richard has very small boat. He often goes sailing. Richard के पास एक छोटी सी नाव है और वो नौकायन के लिए अक्सर जाता है. Yes. Yeah. I went jogging before breakfast this morning. आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट से पहले जॉगिंग कर गया, टहलने के लिए गया. तो आई होप ये था आज की क्लास और ये हो गया खत्म. दिस वॉज द लास्ट सेंटेंसेस ऑफ दिस क्लास ऑफ दिस यूनिट. ओके आई होप आपको ये पसंद आया होगा. गो ऑन
go to, go on, go for and go plus ing. तो अगर आपको इनमें कोई दिक्कत है या फिर कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर कन्वर्सेशन वाली वीडियोस आपको देखते हैं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों तो आपके पास उनका नोटिफिकेशन आ जाए तो आप उनको आसानी से देख सकें। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।